हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मेरे पास इंटर एग्जामिनेशन सेंटअप एग्जामिनेशन का जो है 2022 में जो आप लोगों का सेंटअप परीक्षा हो रहा है उसका ज्योग्राफी का जो है मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोग इधर उधर की क्वेश्चन पेपर से बच के रहें, और बहुत सारे ऐसे चैनल वाले होते हैं कि वो इधर उधर की क्वेश्चन को दे देते हैं और आप लोगों का माइंड को जो है उलझा देते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल आप लोगों को ऑरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक जो है शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी बच सके इधर उधर के फालतू के क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए हम मेरे चैनल पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर ओरिजिनल नहीं मिलता है आज ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करके और जो भी आप लोगों को लिखना हो कमेंट में आप अपने इच्छा मुताबिक लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों को हो। ठीक है, देख लीजिए सारे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ। इंटर एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2022। ठीक है, ज्योग्राफी इलेक्टिव भूगोल ऐच्छिक। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग देख लें विषय कोड सब्जेक्ट कोड 323। ठीक है, अब आइए फाइनली हम लोग देख लेते हैं आप लोगों को जो है कितना क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन 70 और प्लस 20 यानी सब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन और 70 का जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन यानी 70 नंबर का आप लोगों का पूरा पूरा होगा। तो ये सब सारा तो आप लोग जानते ही हैं ना, मैट्रिक में तो सारा रूल वगैरह पढ़ लिए हैं। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। आप अपने दोबारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर जो है चिन्हित करें। आपको 35 प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, टोटल 35 नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोगों को उत्तर देना है। चलिए फाइनली देखते हैं हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो इससे इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि नौनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का तीन नंबर पर पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एलन सी सैंपल हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है, तो अब यहाँ से आगे के सारे क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो है ऑप्शन जो सही आंसर है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। आप लोग खुद से अगर इसको निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, लेकिन आप लोगों को जो है इसका जो है अलग से एक वीडियो मिलेगा, उसमें जो है सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लें, व्यवहारवादी भूगोल, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पे जो है सारा क्वेश्चन का आंसर शीट आप लोगों को मैं वेबसाइट पे दे रखा हूँ। टोटल का टोटल जो है आंसर शीट आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा। आप लोग वेबसाइट से भी देख सकते हैं या फिर आप लोग एक घंटा वेट कर सकते हैं वीडियो के लिए। व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फटाफट से, पाँच नंबर क्वेश्चन, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। ठीक, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो सके और सभी स्टूडेंट तक पहुँच सके और सारे स्टूडेंट जो है इसका सही आंसर को देख पाए। अभी एक घंटे के बाद जो है इसका सही आंसर आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला जो है क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में सात नंबर पे, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतर का जो है प्रतिकृष्ट कारक नहीं है। देख लीजिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखने का टाइम मिल रहा है, आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं खुद से। जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर पे, निम्नलिखित देशों में किसका जो है लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं हम लोग 11 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, डॉक्टर महबूल हक मूल निवासी थे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है 14 नंबर पे, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे के सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कोको किस प्रकार की कृषि की उपजन है। ठीक है, अब देखिए आपको इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन दे रखा है, सारा क्वेश्चन का जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लोग जिस मीडियम से आप लोग दे सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वित आर्थिक क्रियाकलाप है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है।
अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का क्या है स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है। हम लोग जो इस क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, विरह ट्रंक मार्ग जो है संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे, बिग इंच पाइपलाइन जो है परिवहन करता है। अब देखिए फटाफट 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, भारत एक संसद है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ यूपी का मुख्यालय कहाँ है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, लेनिन जो है ग्राद किस प्रकार का पत्तन है, ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाकलाप कौन नागरीय अधिवासों से संबंधित है। अब 32 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है। अब 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती है। अब फटाफट 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। 36 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा परिवार के एक मिनट थोड़ा सा वेट करना आप लोग। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है घनत्व था। अब 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। अब 40 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से कौन कोटि थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि उच्चतम है, किसकी कोटि उच्चतम है। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है ऑप्शन थोड़ा सा वीडियो को रोक सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैरसन नगर है। आप देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है। 45 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। अब 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन रेशेदार फसल नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि के संबंधित नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खाद फसल है। अब 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन काफी उत्पादक है। अब 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। 53 नंबर क्वेश्चन, जल क्या है बताइए, जैव संसाधन और जैव संसाधन या फिर अनवीकरणीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। 54 नंबर हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली जो है प्रोजेक्ट संबंधित है। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, भंडारा मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस में काकरा पार जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। अब देखिए 60 नंबर हो चुका है। 61 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर लौह इस्पात जो है केंद्र अवस्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर पे, उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कह रहा है कि स्थल बंद पोताश्रय है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर पे, कि कालन क्या कह रहे हैं कि कांदला पत्तन अवस्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है।
70 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अब वो 70 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब आइए खंड भाव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न और शॉर्ट टाइप टाइप जो है क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए 10x2 यानी 20 नंबर का आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, नॉन निश्चयवाद क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रवास से संबंधित किन्हीं दो आकर्षकारों का उल्लेख करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के चार प्रमुख घटनाओं के नाम लिखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, आयु संरचना का क्या महत्व है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, मिश्रित कृषि की किन्हीं चार फसलों के नाम लिखिए। छठा नंबर क्वेश्चन, सामूहिक कृषि क्या है। सातवां नंबर क्वेश्चन, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन, कच्चे मालों के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। नौवां नंबर क्वेश्चन, चार तीर्थ आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। दस नंबर क्वेश्चन, राइन जलमार्ग के किन्हीं चार महत्व का उल्लेख करें। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, भारत के किन्हीं दो व्यवसायिक संवर्गों का उल्लेख करें। बारह क्वेश्चन, कायिक घनत्व क्या है। तेरहवां क्वेश्चन, भारत के चार प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। चौदह नंबर क्वेश्चन, भारत के चार प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन, सतत पोषण विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित चार समुद्री पतनों के नाम लिखिए। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन के लाभ का उल्लेख लिखिए। 20 नंबर क्वेश्चन, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आज पहले ही आ चुके हैं हम दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दें। आप लोगों को तीन का जवाब देना है, प्रत्येक का पाँच नंबर करके मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्तृत वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 22 नंबर, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की विवेचना कीजिए। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामापा नहर मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क के वितरण का विवरण कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो यहीं तक था आप लोगों का, पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए बिल्कुल एंड हो चुका है। और ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इधर उधर की डाउट ना करें कि क्वेश्चन आपने गलत बताया फिर कुछ भी। अगर हम गलत बताए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि गलत बताएं, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं बाद में आएंगे तो वो जान सके कि हम गलत बताए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सच्चाई बताएं, बिल्कुल सही पेपर दिए हैं, तो आप लोग वो भी कमेंट करना है कि बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो लगा अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट को मालूम हो सके कि इस चैनल पे डेली रोजाना का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ये इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं दिया हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक घंटे के बाद आप लोगों को सॉल्यूशन वाला जो वीडियो मिलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।